subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द नेक्स्ट वीडियो। और फाइनली जो ये वीडियो आपका तीसरा मैथ का अपलोड हो रहा है, जैसे आप सबको पता होगा चैनल को सब्सक्राइब किए हुए हो तो नोटिफिकेशन मिल गया होगा दो वीडियो का। और मैं जितना जल्दी हो सके 5-6 वीडियो में आपका लगभग जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ सकते हैं सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को समझा देंगे और पूरी तरह से कवर कर देंगे। तो आप लोग वीडियो को लाइक करना है, आप लोग को वीडियो को लाइक कर दीजिए और सबके साथ शेयर तब तक पहुँच जाए। तो चलिए आज की इस वीडियो को हम लोग शुरू करते हैं। और अगर आपने उन दोनों वीडियो को नहीं देखा तो इस वीडियो को अंत तक देखें, आपके एंड स्क्रीन में मिल जाएगा, तो वहाँ से उन दोनों वीडियो को देख सकते हैं। तो चलिए पहला क्वेश्चन यहाँ पे देख पा रहे हैं आपकी, दो बिंदु है जिसमें P का मान दिया हुआ है 2.3 और Q का मान है 4.1 के बीच की दूरी का मान क्या होगा। तो यहाँ पे सिंपल आपको दूरी सूत्र लगा देना है। तो दूरी सूत्र बड़ा पता होगा आपको क्या होता है, X2 माइनस X1 का होल स्क्वायर और Y2 माइनस Y1 का होल स्क्वायर, यहाँ पे बीच में प्लस होता है ये होता है, या फिर आप यहाँ पे X1 माइनस X2 भी लिख सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता, आंसर दोनों का सेम आएगा। तो X2 का मान कितना दिया हुआ है यहाँ पे, 4 दिया हुआ है और माइनस X1 का मान 2, तो इसको 4 माइनस 2 का स्क्वायर कर देंगे। और प्लस Y2 का मान दिया हुआ 1 और Y1 का मान दिया हुआ 3, तो 1 माइनस 3 का हम यहाँ पे स्क्वायर कर देंगे, इस पर रूट चला दीजिए। अब 4 में 2 जाएगा क्या हो जाएगा, 2, तो 2 का स्क्वायर हो जाएगा। और यहाँ पे 1 में 3 जाएगा तो माइनस 2, तो यहाँ पे माइनस 2 का स्क्वायर कर दीजिए और ऊपर रूट चल जाएगा। अब यहाँ पे हम इसको जोड़ेंगे तो इधर लिख लेते हैं, 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। और प्लस यहाँ पे माइनस 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, इसका भी 4 हो जाएगा, क्योंकि माइनस का स्क्वायर करेंगे तो प्लस हो जाएगा, तो यहाँ पे इस पर रूट चल जाएगा। तो 4 और 4 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 8। अगर इसको टुकड़ा करेंगे तो 4 × 2 लिख सकते हैं, जिसमें से 4 रूट से बाहर निकल जाए, तो 4 रूट से बाहर निकल 2 हो जाएगा और रूट में 2 रह जाएगा, तो 2√2। आप देखेंगे 2√2 किधर आंसर है इसका, तो यहाँ पे ऑप्शन देख पा रहे हैं, ऑप्शन नंबर ए यानी 2√2 आपका आंसर सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर दूसरा है कि निम्नांकित में कौन अपरिमेय संख्या नहीं है, निम्न कौन अपरिमेय नहीं है। तो यहाँ पे देख पा रहे आप लोग, इससे आंसर डी होगा, यानी 75√75/√48। वो कैसे होगा, क्योंकि यहाँ पे जो 7 ये भी रूट से बाहर निकलेगा, ये भी नहीं निकलेगा और ये भी नहीं निकलेगा, तो आपका यानी कैसे निकलता, देखिए सबसे पहले हम इसको 75 को टुकड़ा करेंगे तो 25 × 3 लग सकते हैं ये रूट में, और इसको 48 को टुकड़ा करेंगे तो क्या आएगा, 16 × इसको भी 3 लग सकते हैं, ये हो जाएगा। अब यहाँ पे 25 का हम इसको रूट से बाहर निकालेंगे तो वो हो जाएगा आपका 5 और ऊपर क्या हो जाएगा, √3, और नीचे 16 का स्क्वायर निकालेंगे मतलब 16 का रूट निकालेंगे तो वो हो जाएगा 4, और यहाँ पे नीचे में भी रहेगा √3। अब यहाँ पे दोनों √3 कट जाएगा, बचेगा 5/4 जो कि 5/4 जो कि P/Q के रूप में है, तो इसलिए ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे डी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर तीसरा क्वेश्चन के, दो क्रमिक सम संख्याओं का HCF होता है, तो HCF क्या है, तो क्रमिक सम संख्या, तो पहला 2 हो गया और दूसरा 4 हो गया, इन दोनों का HCF निकालेंगे तो HCF आपका क्या हो जाएगा, आंसर 2 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। HCF आपको शायद निकालना होगा तो निकालना आता होगा, तो ऑप्शन आप HCF वहाँ से निकाल लीजिए, 2 और 4 का ऑप्शन HCF क्या हो जाएगा, बी आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर चौथा क्वेश्चन के, बहुपद x²-4x+1 के मूलों का योग होता है, तो आपको पता होगा कि शून्य के बहुपद के मूलों का योग बराबर होता है -b/a, या फिर इस तरह भी याद रखेंगे -x का गुणांक बटे x² का गुणांक, तो b की जगह क्या है -4, तो -b/4 में क्या होता है -b/a, तो b की जगह -4 है, तो एक फॉर्मूला का माइनस हो गया और b का क्या है माइनस है, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं इसको 4 अंदर में लिख देंगे। उसके a की जगह क्या है, a की जगह यहाँ पे देख पा रहे हैं तो 1 है, x के साथ कुछ नहीं तो 1 है, तो लिख सकते हैं इसको 1। अब यहाँ पे गुणा करेंगे हम तो -(-) क्या हो जाएगा प्लस, और यहाँ पे 4 रहने देंगे 4/1, तो 4/1 बराबर क्या होता है, वही 4 था, प्लस में 4 हो जाएगा, तो आंसर में आपका बी यहाँ पे राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5वां क्वेश्चन की, द्विघात समीकरण 3x²-2x+1/3 = 0 है, इसके विवेचक का मान निकालना है, तो विवेचक का मान निकालने के लिए हम विवेचक को डी से दर्शाया जाता है, तो डी बराबर होता है b²-4ac। आप यहाँ पे देख पा रहे हैं बी की जगह क्या है, 2 है, तो माइनस हम 2 का स्क्वायर लिख सकते हैं, उसके बाद -4, उसके बाद ए के जगह देख पा रहे हैं आप लोग 3 है, तो हम यहाँ पे 3 लिख सकते हैं, और सी के जगह देख पा रहे हैं 1/3 है, तो हम यहाँ पे गुना में 1/3 कर देते हैं। अब यहाँ पे 3 गुना में, तो दोनों कट जाएगा। अब यहाँ पे 2 का स्क्वायर करेंगे, -2 का स्क्वायर, तो प्लस में जाएगा 4, और ये माइनस है, और इसमें क्या जाएगा, ये 4 गुना करेंगे 1 से, तो वही 4 आएगा, तो 4 में 4 जाएगा, तो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, बराबर 0, तो विवेचक उसका क्या हो गया, आंसर आपका यहाँ पे 0, आंसर ए सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए राइट होगा उसका। क्वेश्चन नंबर 6वां क्वेश्चन के, बहुपद 4x²-4x+1 के मूलों का गुणनफल होगा, तो बहुपद के मूलों का गुणनफल बराबर होता है c/a, जिसको हम कह सकते हैं अचर पद बटे x² का गुणांक, तो यहाँ पे c, देखिए c के क्या है 1, तो हम लिख सकते हैं 1,
अब a a के मतलब x स्क्वायर का गुणांक, तो a का क्या है 4, तो हम लिख सकते हैं 1 बाई 4, तो आंसर अब आपका क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर सातवां क्वेश्चन की, यदि वर्ग का विकर्ण 16√2 सेमी है तो वर्ग की भुजा की लंबाई होगी, तो वर्ग का विकर्ण बराबर पता होगा शायद आपको, तो वर्ग का विकर्ण बराबर होता है √2 इंटू भुजा होता है, वर्ग का विकर्ण बराबर √2 इंटू भुजा होता है। अब यहाँ पे सिंपली हम लिख सकते हैं कि वर्ग का विकर्ण कितना है 16√2 दिया हुआ है, तो 16√2 बराबर हम लिख सकते हैं √2 इंटू भुजा। अब यहाँ से 2 काट देंगे तो क्या 16 बराबर भुजा, तो आप यहाँ पे भुजा आपका क्या आंसर हो जाएगा 16, ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा 16 सेमी। नेक्स्ट क्वेश्चन जो क्वेश्चन नंबर आठवां क्वेश्चन के, प्रथम तीन लगातार प्राकृतिक संख्याओं का माध्य होगा, तो प्रथम तीन लगातार, पहला एक है, दूसरा दो है, तीसरा तीन है, तो इन दोनों का माध्य निकालने के लिए तीनों को जोड़ देंगे, 3 और 2 5, 5 और 1 6, तो 6/6 कितना अंग है 1 2 3, तो 3 अंग भाग दे देंगे तो हो जाएगा 3 × 2 = 6, तो ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा बी राइट होगा, यानी प्रथम तीन प्राकृतिक संख्याओं का माध्य 2 का ऑप्शन नंबर आपका बी राइट हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर नवा क्वेश्चन है कि टेन 60° का मान होगा, तो इसका मान पता होगा आप लोग सबको, ऑप्शन नंबर ए राइट होगा, यानी √3 होता है टेन 60 का मान। अब बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। उसके बाद क्वेश्चन नंबर दसवां क्वेश्चन देख पा रहे हैं आप लोग कि साइन 18 / cos 72°, तो इसका मान निकालना है, तो इसको मान निकालने किसी एक को हम चेंज कर देते हैं, जैसे अगर साइन को चेंज करेंगे या फिर कॉस, दोनों में से किसी को भी चेंज कर सकते हैं, तो हम सबसे पहले यहाँ पे साइन 18 रहने देते हैं और नीचे में कॉस को हम साइन में बदल देंगे, तो कॉस इसको लिख सकते हैं 72 को cos 90 - 18 हो जाएगा, 90 - 18 करेंगे तो कॉस में, तो यहाँ पे पता होगा आप फॉर्मूला कि कॉस 90 - थीटा बराबर साइन थीटा होता है, तो यहाँ थीटा का क्या है 18 है, तो हम इसको सिंपल लिख सकते हैं साइन 18 / थीटा का, यहाँ पे 18 है तो साइन हमको इसको कॉस से हटेगा, 90 - थीटा बराबर क्या होता है कॉस 90 - थीटा बराबर साइन थीटा, तो थीटा का क्या 18, तो हम लिख सकते हैं साइन 18। अब इन दोनों कट जाएगा तो बचेगा क्या 1, तो आंसर आपका क्या होगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी राइट होगा 1। तो यहीं तक 10 क्वेश्चन था जो कि आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इससे अगला वाला वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और जो भी दो वीडियो आ रहा है नहीं देखे तो इन दोनों वीडियो को देख लीजिए, इससे पहले वाला पार्ट था ये सब, तो आप लोग टच करके किसी एक को देख सकते हैं। तो चलते हैं मिलेंगे अगले वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद जय भारत एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।